यहाँ पर क्या बेच रहे हो? चिलम और खैनी और बीड़ी और सिगरेट और मौली सुता। और ये क्या है? ये क्या है? खैनी है। अच्छा, ये कितने का चिलम है? 15 का है। तो हमने पीछे में दिखाया कि एक महिला जो है चिलम बेच रही थी, अब यहाँ पर एक बच्चा है, इससे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सूरज कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हो? वन में पढ़ते हो। और यहाँ पर क्या बेच रहे हो? चिलम और खैनी और बीड़ी और सिगरेट और मौली सुता। और क्या बेच रहे हो? नहीं। और ये क्या है? ये क्या है? खैनी है। अच्छा, ये कितने का चिलम है? 15 का है। अच्छा, तो सावन में तुम पूरा सावन पढ़ाई नहीं करते हो, अभी बताया तुमने। तुमने क्यों नहीं पढ़ाई करते पूरा सावन? बेचते हैं। अच्छा, यही सिर्फ बेचते हो? खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, पढ़ाई कैसे करेंगे? चिलम बेच के पढ़ाई करोगे? हाँ। अच्छा, क्या बनने का मन है? नौकरी करेंगे पढ़ लिख के। नौकरी करना है? हाँ। तो पढ़ता नहीं है, चिलम बेचता, तो कैसे नौकरी लगेगा? एक महीना छुट्टी ले लिया है। हाँ। ये चिलम बेचने के लिए? हाँ। ये भी समाज की अजीब विडंबना है कि एक जगह महिला चिलम बेच रही है, एक जगह बच्चे चिलम बेच रहे हैं। और इनका कहना है कि हम पूरा सावन में जो है चिलम ही बेचते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तुमको पता है बाबू कि चिलम बेचना अपराध है, पुलिस पकड़ लेगा? नहीं पकड़ता। सावन में सब बेचता है? हाँ। कोई पुलिस नहीं पकड़ता? नहीं। तो पता है कि खैनी खाने से, गांजा पीने से, इस सबसे स्वास्थ्य खराब होता है? हाँ। जो यहाँ पर स्थिति है, एक बच्चे चिलम बेच रहे हैं, जिस बच्चे के हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, ये देश का भविष्य है, आगे चल के देश को, देश का नेतृत्व कर सकता है, इस बच्चे में ऐसी क्षमता डेवलप करनी चाहिए। वहीं पर हमारी सरकार जो है इस बच्चे को चिलम बेचने पर मजबूर कर दी है। और सरकार एक तरफ कहती है पूरे देश में कि नशीली पदार्थ जो है बैन है, वहीं दूसरी तरफ सावन महीना में जो है नशीली पदार्थ धड़ल्ले से चालू कर दिया जाता है और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। बहरहाल, बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।